नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मोटर वर्ल्ड में। मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ और आज जो है मैं एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू करने वाला हूं किया सेल्टॉस का। ये अपने सामने वो देख रहे हैं, ये टर्बो वाला वेरिएंट है जो कि सिटी लाइन है, ब्लैक कलर के अंदर है, 1.4 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल पर और देख लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि वीडियो जो है मैं इवनिंग टाइम पे शूट कर रहा हूँ, तो उस वजह से जो थोड़ी लाइटिंग कंडीशन है वो थोड़ी सी डल है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम उसके की से। तो यहाँ पे आप इसके की को देख सकते हैं, इसमें जो है आपको 3 कीज़ ही मिलेंगी, लॉक अनलॉक और एक जो है आपको बूट रिलीज़ करने के लिए। इससे पहले जो आपने वीडियो देखा होगा एक्स लाइन का, उसके अंदर जो आपको 4 बटन्स मिलते थे, इसके अंदर भी आएंगे अगर आप ऑटोमेटिक के साथ जाते हो। तो उसे जो अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हो तो वो वाला जो है आपका खुद ब खुद जो है वो इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल पे और देख लेते हैं कि इधर जो आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो अगर फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आप इसके LED DRL को देख सकते हैं, ये पूरा कंप्लीट पार्ट जो LED DRL का पार्ट है यहाँ पे। उसके ठीक नीचे जो है आपको हेडलैम्प मिल जाता है जो कि कंप्लीट LED सेटअप के अंदर आता है। हाई बीम लो बीम इंडिकेटर्स जो है वो आपको यहाँ पे दे दिए गए। उसके ठीक नीचे आपको ISQ LED फॉग लैंप्स दे दिए गए। अगर इसके ग्रिल की बात कर ले तो ब्लैक पियानो फिनिशिंग के साथ इसका ग्रिल आता है। ऊपर की तरफ जो आपको न्यू वाला किया का लोगो वो दे दिया गया। यहाँ आप GT लाइन की बैजिंग वो देख सकते हैं। क्रोम का काफ़ी सारा वर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा आपको फ्रंट ग्रिल के अंदर। अगर इसके बम्पर की बात करें तो इसमें जो है आपको रेड इंसर्ट्स वगैरह वो भी दे दिए गए। बोनेट वगैरह जो है यहाँ से आप देख सकते हैं। साइड प्रोफाइल में आ जाए तो यहाँ आपको व्हील आर्च पे क्लैडिंग देखने को मिल जाती है। डुअल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील भी दिया गया है यहाँ पे। उसके साथ ही साथ जो इसके जो कैलिपर्स है वो आपको रेड कलर के अंदर मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको किया की बैजिंग वगैरह जो है वो भी देखने को मिल जाएगी। फ्रंट के अंदर जो है इसमें आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक दिया गया। अगर इसके ORVM की बात करें तो वो जो है ब्लैक कलर के अंदर आता है। LED इंसर्ट्स वगैरह जो है वो भी मिल जाते हैं। 360 डिग्री वाला कैमरा भी जो है इसके अंदर आपको मिल जा रहा है यहाँ पे। और अगर इसके बॉडी हैंडल डोर हैंडल्स की बात कर ले तो वो जो है आपको क्रोम से सराउंडेड दिया गया। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह भी मिल जाएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर साइड ही मिलता है। को ड्राइवर साइड जो आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दिया गया इसमें। नीचे की तरफ जो है इसमें आपको क्लैडिंग जो है वो भी दे दी गई है। रेड इंसर्ट्स वगैरह जो है वो भी देखने को मिल जाएंगे। इस साइड जो है आपका लोअर क्रोम बेल्ट लाइन वो भी दे दिया गया है यहाँ पे, तो उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आपका ए पिलर जो है वो ब्लैक पियानो फिनिशिंग के साथ दिया गया है यहाँ पे और आपका बी पिलर जो है वो मैट फिनिशिंग के साथ दिया गया। सी पिलर जो है बॉडी कलर के अंदर आता है। अगर इसके रियर व्हील की बात करें तो पीछे भी जो है इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है और आपका जो रियर डोर हैंडल है वो भी क्रोम से सराउंडेड है। यहाँ पे आप इसके रियर LED कॉम्बिनेशन लैंप को भी देख सकते हैं। इधर जो है आपका इंडिकेटर दिया गया जो कि नॉर्मल हेलोजन बल्ब के अंदर ही आता है। GT लाइन की बैजिंग वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको TGDI की बैजिंग जो है वो भी देखने को मिल जाएगी। रिफ्लेक्टर आपका इधर मिल जाएगा आपको और यहाँ पे जो है आप किया की बैजिंग जो है वो भी देख सकते हो। सेल्टॉस की बैजिंग इधर आपको मिल जाती है। विंडशील्ड पे जो है आपको डिफॉगर वाइपर दे दिया गया है। हाई माउंट स्टॉप लैंप और स्पॉइलर के साथ जो है वो मिल जाएगा। शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है इसके अंदर। पीछे की तरफ जो है इसमें आपको 4 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। बम्पर की अगर बात करें तो उस पर जो है आपको रेड इंसर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। फेक डिफ्यूजर्स भी जो है इसके अंदर आपको मिल जाते हैं हनी कोम पैटर्न के साथ में। 50 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है इसके अंदर। 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है इसके साथ। 433 लीटर का बूट स्पेस भी मिल जाएगा इसमें आपको। तो यहाँ से जो है आप इसके को ड्राइवर साइड एरिया का कंप्लीट व्यू चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके इंटीरियर में और देख लेते हैं उधर जो आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो इंटीरियर की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है आपको वेंटिलेटेड सीट वो मिल जाएगा जो कि ब्लैक कलर के अंदर। यहाँ पे जो है आपको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन वो भी देखने को मिल जा रहा है। वेंटिलेटेड सीट का सारा बटन जो है इधर ही आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम को भी चेकआउट कर सकते हैं। इसका आर्म रेस्ट जो है वो रेड थ्रेड से स्टिचिंग इसमें भी आपको मिल जाएगी जो कि लेदर रैप्ड है। AC वेंट्स वगैरह जो है इधर आप देख लीजिए। यहाँ पे बोस के स्पीकर्स जो है इसमें आपको मिल जाएंगे। ट्विटर्स भी मिल जाते हैं यहाँ पे। चलिए हम चलते हैं इसके ड्राइवर साइड। तो ड्राइवर साइड डोर को जैसे ही आप ओपन करोगे यहाँ पे जो है आपको सारे पावर विंडो के कंट्रोल्स वो देखने को मिल जाते हैं। ORVM जो अपना इधर से आप एडजस्ट कर सकते हो। बोस के स्पीकर जो इधर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप इम्बोजिंग भी देख सकते हो बोस के। और यहाँ पे जो है आपको ब्लैक लेदर का वर्क वो मिल जाता है। रेड कलर के थ्रेड से इसकी स्टिचिंग की गई है। ब्लैक पियानो फिनिशिंग इधर आपको मिल जाएगा। सीट में जो है आप इसे इलेक्ट्रॉनिकली जो है एडजस्ट कर पाओगे अपना हाइट और रिक्लाइन एंगल वगैरह। इसके अंदर आपको स्पोर्टी पेडल्स भी मिल जाते हैं। मैनुअल वाला वेरियंट है ये। इधर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, हेडसअप डिस्प्ले का बटन, हेडलैम्प लेबलर ये सब भी मिल जाता है इस साइड में।
स्टेयरिंग व्हील जो है इसमें आपको डी कट दिया गया है लेदर रैप के साथ। यहाँ आप GT लाइन की बैजिंग वो देख सकते हैं, किया की बैजिंग इधर आपको देखने को मिल जाती है। क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड जो भी सारे बटन है वो आपको इधर देखने को मिल जाएंगे। इस साइड जो है आपको बटन दिए गए जिसके थ्रू जो आप अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो। तो चलिए एक बार जो हम लोग इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देख सकते हैं। स्पीडोमीटर जो है आपको इस साइड देखने को मिल जाएगा, RPM मीटर जो है आपको इधर मिल जाता है, सेंटर के अंदर जो इसमें आपको MID दे दी गई है, हेडसअप डिस्प्ले जो है आपका इधर ही आपको दे दिया गया है। तो वो जब मैं इस कार को टर्न ऑन करूँगा तभी जो हेडसअप डिस्प्ले ऑन होगा। हेडसअप डिस्प्ले आपका इधर है। इंफोटेनमेंट सिस्टम को आप चेकआउट कर सकते हैं जो कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, ब्लूटूथ, AM/FM को सपोर्ट करता है। उसके अलावा जो है इसमें आपको टेलीमेटिक्स का भी सपोर्ट मिल जाएगा। AC से रिलेटेड जो भी कंट्रोल है आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। 2 AC वेंट्स वगैरह जो इधर आपको देखने को मिल जाते हैं। हैजार्ड लैंप का स्विच आपको यहाँ पे दे दिया गया। उसके ठीक नीचे जो है आपको चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह जो है वो मिल जाएंगे यहाँ पे। 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन को यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। 2 कप होल्डर जो है यहाँ पे आपको दे दिया गया। आर्मरेस्ट मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। IRVM जो है वो ऑटो डिमिंग मिल जाता है इसके अंदर। यहाँ पे जो आपको 3 buttons भी दिए गए हैं SOS और एक टोइंग के लिए यहाँ पे किया कनेक्ट भी मिल जाता है। तो इधर जो आप अपने सनग्लास होल्डर को चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको 2 reading lamps मिल जाएंगे। सनरूफ जो है इसके अंदर आपको छोटा सा ही मिलता है, पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलेगा। तो चलिए सनरूफ को हम लोग बंद कर देते हैं और चलते हैं इसके सेकेंड रो में। और इधर जो है आपको सनशेड पे वैनिटी मिरर मिल जाता है। को ड्राइवर साइड, ड्राइवर साइड जो है आपका सिर्फ टिकट होल्डर ही मिलेगा। इधर सीट्स जो है इसके अंदर आपको वेंटिलेटेड मिल जाता है। दोनों ही सीट्स जो है वेंटिलेटेड है, फ्रंट टू वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाते हैं इसके अंदर। इधर आपको सेल्टोस का इसका प्लेट वगैरह भी दे दिया गया। यहाँ पे आप इसके फ्यूल कैप लीवर को भी देख सकते हैं। इससे जो आप अपना फ्यूल कैप वो ओपन कर पाओगे। तो फाइनली आ चुके हैं हम लोग उसके सेकंड रो में। यहाँ पे आपको ब्लैक पियानो फिनिशिंग वो मिल जाती है। पावर विंडो का कंट्रोल इधर आप देख सकते हो। इधर जो है आपको ब्लैक लेदर का वर्क वो मिल जाएगा। रेड कलर के थ्रेड से इसकी स्टिचिंग की गई है। यहाँ पे बोस के स्पीकर्स जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बॉटल होल्डर का स्पेस इधर मिल जाता है। यहाँ पे भी जो है आपको सेल्टोस का इसका प्लेट वो मिल जाएगा। इधर पीछे की तरफ जो है इसमें आपको 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं और एक चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है। फ़ोन रखने के लिए भी स्पेस थोड़ा सा मिल जाता है। और यहाँ पे जो आप इसके सीट को देख सकते हैं, इसके अंदर जो है टोटल आपको 5 headrests जो है वो मिल जाते हैं। और 5 headrests जो है वो एडजस्टेबल, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर पाओगे। सेंटर के अंदर जो है इसमें आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाएगा। टोटल 4 seat belts मिलता है इसके अंदर। 5th person के लिए जो है इसमें आपको लैप बेल्ट दिया गया। यहाँ पे जो आप इसके केबिन लैंप को भी देख लीजिए जो कि LED के अंदर ही आता है। ग्रैब हैंडल वगैरह जो है वो रिट्रैक्टेबल है। और इसके पार्शल ट्रे को भी यहाँ से आप देख सकते हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके बूट में और देख लेते हैं कि इसके बूट में आपको क्या क्या मिलता है। तो बूट को ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। इसे आप प्रेस करोगे तो आपका बूट जो है वो ओपन हो जाएगा। लोडिंग लिप जो एकदम जीरो है। यहाँ पे 60-40 ratio में जो है आप सीट को जो है स्प्लिट कर सकते हो और बूट स्पेस को इंक्रीज कर सकते हो। बोस का सब बूफर भी जो है यहाँ पे आपको दिया गया है। बूट लैंप इधर आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं इसके इंजन कंपार्टमेंट में और देख लेते हैं इसके इंजन को। तो यहाँ पे जो आ चुके हैं हम लोग उसके इंजन कंपार्टमेंट में। इसमें जो है आपको 1.4 लीटर का TGDI टर्बो इंजन मिल जाता है। इस इंजन से रिलेटेड एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस वगैरह क्या वो अपने डिस्प्ले पे आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें जो है आपको डीजल का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ये अपने सामने वो देख रहे थे, ये मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर है। इसके अलावा जो है इसमें आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाता है। 7-speed DCT भी मिल जाता है। बोनेट पर जो है आपको इंसुलेशन वगैरह का वर्क वो भी दे दिया गया है यहाँ पर। तो चलिए हम लोग उसके बोनेट को बंद कर देते हैं और देख लेते हैं कि इसके अंदर जो है आपको क्या क्या सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। अगर इसके सेफ्टी फीचर्स की बात कर लें कि इसमें जो आपको क्या क्या सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, तो इसके अंदर जो है आपको ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। 3 stars इसने स्कोर किया है क्रैश टेस्ट के अंदर। उसके अलावा जो इसमें आपको 6 airbag भी मिल जाएगा। इसकी प्राइसिंग वगैरह क्या होने वाली है वो अपने डिस्प्ले पे आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को अगर आप धनबाद से देख रहे हैं तो आप जूही किया मोटर्स को संपर्क कर सकते हैं। एक्सोरूम प्राइस जो है धनबाद वो भी आप चेकआउट कर लीजिए। उसके अलावा जो है ऑन रोड प्राइस धनबाद क्या वो भी आप देख सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको किया सेल्टॉस का वीडियो जो है पसंद आया होगा, जीटी लाइन का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि जो वीडियो अपलोड करूँ आपको फटाफट से नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।